कर्नाटक में हिजाब का मुद्दा मध्य प्रदेश में भी गर्मा गया है। सोशल मीडिया पर राजधानी भोपाल की सड़कों पर हिजाब पहनकर युवतियों द्वारा बाइक चलाने के वीडियो जमकर वायरल हो रहे हैं। इस वायरल वीडियो पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जब भी कोई मामले आते हैं तो ऐसी चीजें सोशल मीडिया पर आने लगती हैं, पर ये गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। वीडियो कब का है पहले ये समझना होगा। कांग्रेस हमेशा हर मुद्दे पर राजनीति करती है। देखो, जब भी कभी इस तरह के विषय आते हैं जो संवेदनशील होते हैं, उस समय सोशल मीडिया पर इस तरह की कई चीजें वायरल होने लगती हैं। अब ये तो प्रमाणिक नहीं होता है वो आज का है, कल का है, परसों का है या कब का है, लेकिन मेरी सभी से प्रार्थना है जब संवेदनशील कोई विषय आए तो सोशल मीडिया पर मर्यादा का पालन करना चाहिए और समाज के सभी वर्गों और हितों का ध्यान रखना चाहिए। देखो, कांग्रेस स्वाभाविक रूप से इस तरह के विषयों को जिंदा रखना चाहती है। मैं फिर कह रहा हूं कि संवेदनशील विषय आए तो उसमें राजनीति न की जाए। हिजाब विवाद को लेकर मध्य प्रदेश के लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री बृजेंद्र सिंह यादव का भी बयान सामने आया है। उन्होंने प्रियंका गांधी द्वारा महिलाओं के पहनावे को लेकर दिए गए बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि स्कूल के बाहर कोई व्यक्ति किसी भी तरह की पोशाक पहन सकता है, लेकिन स्कूल के अंदर सभी को नियमों का पालन करना चाहिए। चूंकि देखो, महिलाओं का और एक सामाजिक अलग अलग अपना अपना एक नियम है, एक रूल्स है। हम देखते हैं मुस्लिम समाज की महिलाएं बुरका पहनती हैं, जैसे हमारी हिंदू समाज की महिलाएं साड़ी पहनती हैं, कुछ हमारे सलवार कुर्ती पहनती हैं, अलग अलग पहनती हैं। ये तो उनकी स्वेच्छा के ऊपर है कि वो क्या पहनना चाहती है, क्या पहनती है। और चूंकि जहाँ बात आई थी स्कूल वाली, तो मैं ये समझता हूँ कि स्कूल में हर नियम होता है और हमेशा नियम का पालन करना चाहिए। उसमें कोई जातिवादी या मतलब वो नहीं दिखाना चाहिए। उसका नियम है कि आप ड्रेस पहन के आएंगे तो ड्रेस पहन के आना चाहिए। इसके बाहर अब स्कूल के बाहर आप कुछ भी पहनो, वो आपकी मर्जी, आपकी स्वेच्छा है, लेकिन जहाँ जो नियम बना है तो कम से कम नियम का पालन तो सबको करना चाहिए। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाताओं को जागरूक करने के लिए मतदाता जागरूकता प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। इस प्रतियोगिता का स्लोगन मेरा वोट मेरा भविष्य है, ताकत एक वोट की है। रिपीट, मेरा वोट मेरा भविष्य है, ताकत एक वोट की। इस प्रतियोगिता में राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता की 5 श्रेणियां हैं, जिनमें प्रश्नोत्तरी, स्लोगन, गीत, वीडियो निर्माण प्रतियोगिता और पोस्टर डिजाइन शामिल है। बस ये है आपके माध्यम से और कि अधिक से अधिक लोग अपने जो उनकी प्रतिभा है, जो टैलेंट है, प्रोफेशनल कैटेगरी में आप सभी लोग हैं, हम सभी लोग हैं, जितने भी हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के कॉलेजेस हैं, स्कूल्स हैं, उन सभी से बात कर रहे हैं, तो अधिक से अधिक लोग इसमें भाग लें। और जो इसकी थीम है एक वोट की ताकत, वो इन्होंने बनाया है, मेरा वोट मेरा भविष्य है, ताकत एक वोट की। तो इससे रिलेटेड आप गाने बना सकते हैं। उसकी भी अवधि निर्धारित है कि 3 मिनट से ज़्यादा का गाना नहीं होना चाहिए, 1 मिनट से ज़्यादा का वीडियो नहीं होना चाहिए। तो तमाम लोग, कोई भी व्यक्ति किसी भी आयु वर्ग का, किसी भी संस्थान का, उनकी वेबसाइट पे लॉगिन करके अपने को रजिस्टर कर सकता है और आप ईमेल के माध्यम से अपनी एंट्री भेज सकते हैं। और इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन जो है मतदान की प्रक्रिया में जो सहभागिता है, उसको और ज़्यादा बल मिले और उसको नई गति प्राप्त हो, ये प्रयास है। भारतीय जनता पार्टी द्वारा 20 जनवरी से बूथ विस्तारक अभियान चलाया जा रहा है। इसी अभियान के तहत अब 11 फरवरी से समर्पण निधि अभियान भी चलाया जाएगा। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने सभी कार्यकर्ताओं से अभियान को सफल बनाने की अपील की है। भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश और ठाकरे जी के जन्म शताब्दी समारोह समिति के नेतृत्व में मध्य प्रदेश के अंदर संगठन पर्व के वर्ष पर जो बूथ विस्तारक योजना सफलतापूर्वक संपन्न हुई और मध्य प्रदेश के कार्यकर्ताओं ने अथक मेहनत से जो इतिहास बनाया, इसके लिए मैं सभी को बहुत बहुत शुभकामना देता हूं, बधाई देता हूं। साथ में ही इसी अभियान के दौरान समर्पण निधि, एक बड़ा अभियान ठाकरे जी के जन्म शताब्दी समारोह के अवसर पर जो हम सब कार्यकर्ताओं ने मिलकर के संकल्प लिया है, मैं आप सभी कार्यकर्ताओं से, सभी जनप्रतिनिधियों से, सभी पदाधिकारियों से अनुरोध करता हूँ कि प्रत्येक बूथ से इस अभियान में हम सब लोग मिलकर के 11 फरवरी से माननीय पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के पुण्यतिथि के इस कार्यक्रम के अभियान के तौर पर हम जुटें और इस अभियान को भी यशस्वी और सफलतापूर्वक इस अभियान को सफल बनाएं।
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा हैदराबाद में हिंदुत्व को राष्ट्रीयत्व बताने पर सियासत शुरू हो गई है। इस बयान पर कांग्रेस ने सवाल निशान खड़े करते हुए कहा कि किसी भी धर्म ग्रंथ में हिंदुत्व का जिक्र नहीं है, यह तो आरएसएस की देन है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने हैदराबाद में अपने आध्यात्मिक ज्ञान का अतिरेक प्रस्तुत किया है, जिस हिंदुत्व को वे राष्ट्रीयता से जोड़ने की बात कह रहे हैं, हमारी राष्ट्रीयता तो विभिन्न, चाहे हम नौकरी के लिए दाखिल होते हों या स्कूल कॉलेज में एडमिशन होते हों, तो उन फॉर्म में राष्ट्रीयता का जो कॉलम है उसके आगे भारतीय लिखा जाता है। तो जब भारतीय होने पे हमें गर्व है, तो वह हिंदुत्व शब्द जो किसी भी धर्म, मैंने भी थोड़ा बहुत अध्ययन किया है, रामायण, गीता, बाइबल, गुरु ग्रंथ साहब, इन किसी भी ग्रंथों में हिंदुत्व शब्द का उल्लेख नहीं है। गुरु ग्रंथ साहब में तो 10,000 से अधिक बार मर्यादा पुरुषोत्तम राम का नाम जरूर है, मगर किसी भी धर्म में हिंदुत्व शब्द का उल्लेख नहीं है। हिंदुत्व शब्द तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नेताओं की एक कथित उपलब्धि है। मध्य प्रदेश में मौसम ने एक बार फिर करवट ली है। पिछले 24 घंटे में प्रदेश के कई जिलों में हल्की गरज चमक के साथ बारिश हुई। विभाग ने चेतावनी देते हुए कहा कि प्रदेश के शहडोल, रीवा, जबलपुर, चंबल और दतिया में गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। पिछले 24 घंटे के दौरान प्रदेश में सागर, रीवा, जबलपुर संभाग में कहीं की हल्की वर्षा दर्ज की गई और सबसे कम न्यूनतम तापमान 9.5 डिग्री रायसेन में दर्ज किया गया और सिस्टम जो है एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है और एक साइक्लोन सर्कुलेशन इंड्यूस जो है नॉर्थ ईस्ट राजस्थान में बना हुआ है और एक ट्रफ लाइन जो है नॉर्थ ईस्ट राजस्थान से नॉर्थ इंटीरियर कर्नाटका तक वेस्ट एमपी के थ्रू जा रही है और आगामी 24 घंटे में मध्य प्रदेश के कुछ स्थानों में शहडोल संभाग के रीवा, जबलपुर, चंबल, ग्वालियर, दतिया में हल्की वर्षा गरज चमक के साथ होने की संभावना है और न्यूनतम तापमान जो है आगामी 24 घंटे में कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ होगा, उसके बाद जो है 3 से 5 डिग्री तक कम होने की संभावना है। भोपाल में अधिकतम तापमान 29 डिग्री और न्यूनतम 11 रहने की संभावना है। EMS TV के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, साथ ही EMS News ऐप डाउनलोड करें।